बकेट क्यों चाहिए तो उसने मुझे बोला कि देखो जहां से मैं आता हूं ना वहां पे पानी की बहुत कमी है तो मैं 120 रुपए खर्च करके बकेट ले आता हूँ पानी नहीं मिला चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है हमारे साथ अभी कुणाल कामरा जी हैं वैसे उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है हमारे मुल्क के सबसे बेहतरीन स्टैंड अप कॉमिक्स में से एक हैं बहुत ही आज के दौर में आ, अगर हम कह सकते हैं करेजियस ब्रेव एक पॉलिटिकल स्टैंड अप कॉमिक कॉमेडी करते हैं एक ऐसे दौर में कुनाल जब आ, किसी को भी इस तरह की बातें करने के लिए एंटी नेशनल घोषित कर लिया जाता है और हम अभी एक एंटी नेशनल के साथ बैठे हैं एक घोषित एंटी नेशनल के साथ जो कि एक दूसरे घोषित एंटी नेशनल कन्हैया कुमार की कैंपेनिंग करने आए हैं तो ये क्या हुआ <laughs> ये आप आपकी कॉमेडी देखकर आपके बारे में कुछ तो पता चला ही है आपकी परफॉर्मेंसेस देखकर बट वाई इज इन एंड कैंपेन फॉर कन्हैया मैं तो बेसिकली आई विश आई कुमर लॉन्गर मैं ज़्यादा समय आ सकता मैं ये सोच रहा था कि बट मैं एक्चुअली तीन ही दिन आ पाया बट बेसिकली ये है कि मैं एक कमेडियन था फिर उसके बाद रोहित मेहम्ला का इंसीडेंट हुआ और उसके बाद नौ फेवरिरी हुआ जे एन यू इंसीडेंट हुआ तब मैं थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल होना चालू हुआ और मैंने रियलाइज़ किया कि ये टाइम में कोई भी आर्टिस्ट का पॉलिटिकल होना शायद ज़रूरी है बिकॉज़ mm. mm. काफ़ी हद तक सब कुछ ही कॉम्प्रोमाइज है अगर आप देखें तो तो एक आर्टिस्ट तो अपने मन में जो सोच रहा है वो बोल पाए uh -huh. तो वो पूरा मूवमेंट एक चालू हुआ जिसमें कन्हैया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एटलीस्ट मेरे लाइफ में उसने प्ले किया एंड ही अपियर ऑन माई पॉडकास्ट एंड ही इज़ हीज बिन इंस्पायरिंग फिगर फॉर मी सो आई हैव नो इश्यू इन डोअर सिंग एम यूर सिंह ट इज इट अबाउट कन्हैया कन्हैया के बारे में ऐसी क्या चीज है जो आपको प्रभावित करती है एंड यू नो मोर इम्पोर्टेंटली आप इस मुल्क के बारे में क्या, क्या एक सपना रखते हैं जिसकी वजह से कन्हैया आपको इंस्पायर कर रहा है कन्हैया के बारे में काफी चीजें बहुत ही इंस्पायरिंग है लाइक like वो अगर मेरे घर आया था एक बार रहने के लिए तो उसने सुबह को मेरे को जो उठाया नींद से और पूछा भाई तुम्हारे घर में बकेट क्यों नहीं है बोला अरे बकेट क्यों चाहिए तो उसने बोला नहीं बकेट चाहिए तो मैंने बोला क्या मतलब शावर है यहाँ पे घुमाओ गर्म आएगा यहाँ पे घुमाओ ठंडा आएगा mm. बकेट क्यों चाहिए तो उसने मुझे बोला कि देखो जहाँ से मैं आता हूँ ना वहाँ पे पानी की बहुत कमी है mm. तो मैं एक सौ खर्च करके बकेट ले आता हूँ बिकॉज mm. मेरे को एक बकेट पानी में ही नहाना है तो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट मेड मी रियलाइज़ दैट ओ यू जस्ट डोंट हैव टू टॉक यू हैव टू वॉक द टॉक लाइक कन्हैया इज़ द सोल गाय लाइक इफ ही इज समवेयर

मतलब तो कन्हैया जिस पॉलिटिक्स को जिस पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है जिस पॉलिटिक्स mm -hmm. के बारे में भाषण देता है वो पॉलिटिक्स जीता भी है अभी ऐसा बंदा अगर जीत कर आए संसद जाए इवन इफ कन्हैया टू टू गो द पार्लियामेंट हाउ डू यू थिंक ही वुल कॉन्ट्रीब्यूट वट यू थिंक ही एड्स टू अर पॉलिटिक्स सी आई मीन द फैक्ट दैट ही इज स्टिल फाइटिंग फ्राम सी पी आई टिकट अ लॉर्ड अबाउट हिम टू बी वेरी ऑनेस्ट बट द फैक्ट दैट ही इज फाइटिंग फ्रॉम वे ही इज बॉन्न दैट मीन्स ही इज क्लियरली सेंग दे दैट ही इज अगेंस्ट दिस एक्सपोर्ट पॉलिटिक्स कि ये आदमी यहाँ पॉपुलर है तो उसको स्मॉल टाउन में ला के इलेक्शन खड़ा कर दो और वो जीत जाए और मतलब हो जाए मतलब ही इज़ फाइटिंग अ टफ बैटल विच ही डजन नीड टू ही कैन स्टिल गेट टू पार्लियामेंट विथ अ नॉट सो टफ बैटल बट द आइडिया ही रेप्रजेंट के चलो भाई साहब हम जाए वो हमारा गोल नहीं है हम जाके कुछ कर पाए वो हमारा गोल है यहाँ से जाएंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे पर कहीं से भी जाएंगे तो मतलब वो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना आई डोंट थिंक उसका एम है आपकी कॉमेडी में भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बात होती है आज के पॉलिटिक्स के बारे में आपकी परफॉर्मेंसिस में मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट होता है जो बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में तो क्लियरली आपका भी एक पॉलिटिकल विजन है क्या वो विजन है और इस देश के लिए क्या वो विजन है आपका और कन्हैया उस विजन को कैसे फुलफिल कर रहा है एंड न हमारे मतलब मेरा पॉलिटिकल विजन सिर्फ एक ही है कि कभी आप किसी पावरफुल व्यक्ति पे जोक बना दें जोक के सिर्फ दो टाइप होते हैं या तो आप देखो दो टाइप के जोक है या तो आप राजा पे जोक मार के प्रजा को हंसाओ या तो आप प्रजा पे जोक मार के राजा को हंसाओ तो आप क्या चूज करते हो वो आप पे पर जो राजा, राजा है अफकोर्स मतलब और देर इज नॉट टू डाउट्स अबाउट इट के जोक तो मोदी जी पे ही बनेगा हुँ, हुँ. मतलब अगर वो पूरी दुनिया घूम के बता रहे हैं। उनका छप्पन इंच का सीना है hmm. तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो होगा ही उनमें जो <laughs> तो काफ़ी बेसिक है तो हमारा काम वही है कि जो भी पावरफुल व्यक्ति जाए कहाँ पे भी इन अ पोजीशन ऑफ पावर उस पर कोई जोक बना सके उस पर कोई सटायर बना सके उस पर कोई कार्टून बना सके उस पर लेख लिख सके उसके में रिपोर्ट कर सके सवाल खड़े सवाल खड़े करने की हमारे पास एक आज़ादी होनी चाहिए हाँ मतलब अगर देश में हमारे देश में एक इतना यूनिक डेमोक्रेसी है कि अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और बनना भी चाहिए तो एक पीएचडी स्टूडेंट सवाल तो पूछ सकता है ना नहीं। नहीं। तो वो एक है और कन्हैया के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि कन्हैया रिप्रजेंट दी आइडिया ऑफ स्पीकिंग ट्रु पावर and and I I I mean he give, he give gives great speeches think think if Kanea was a comedian comedian be the best comedian in India <laughs> <laughs> and I think he'll also be a great politician पिछले पाँच सालों में आपके हिसाब से ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पहले चीज़ें problems नहीं होती आई हैं लेकिन पिछले 5 सालों में specially ऐसा क्या हुआ कि आप जैसे लोग जो नॉन political कॉमेडी करते थे आप भी <laughs> politicized होने लगे देखो हर बार चुनाव होते हैं आप एक ये लाइन स्टैंडर्ड लोगों से सुनोगे कि ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव mm. है पर इस बार जेन्यूनली लग रहा है कि ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है लाइक थिंग इज दैट द वोटर एंड नॉर्मल पीपल है ओन वैल्यूज लाइक कम ऑन लाइक कांग्रेस को गाली देने की ट्रेनिंग से तो सब जेएनयू में बड़े हुए हैं <laughs> आज कांग्रेस तीन स्टेट जीतता है तो लोग खुश है मतलब यही बहुत कुछ कहता है कि मतलब ये ये, मतलब पिछले सालों में इतना खराब हो गया कि कांग्रेस भी अब ठीक हाँ, मुझे लगता है मेरे परदादा वापस जिंदा हो गए घर में ये सॉर्ट sort ऑफ of आ गया है कि मतलब क्या पहन रहे हो क्या खा रहे हो क्या बोल रहे हो और प्लस एक क्या खा रहे हो पर जान तक ली जा रही है हाँ मतलब मैं तो माइनॉरिटी भी नहीं हूँ मैं तो मतलब पूरे प्रिवेज इन्वायरमेंट में आई हैव ऑल द प्रिज इंडियन एस्पायर टू बट आई स्टिल फील थ्रॉट बिकॉज अगर आपको एक ट्वीट भी डालना है तो दस बार पढ़ के दो दोस्तों को दिखा के डालना पड़ रहा है स्पॉन्टेनिटी mm. पे तो मर्डर चल चुका है अब mm. कि जो आप सोचते हो वो डाल नहीं सकते जो सोचते हो उसको दोबारा सोचो दोबारा सोचो दोबारा सोचो और फिर डालो मतलब ये इन्वायरमेंट कोई भी आर्टिस्ट के लिए ठीक नहीं है मतलब कहीं ना कहीं मेरी फिल्म पर भी एक बहुत मेजर अटैक हुआ yes. वो सब हम एक्सपीरियंस कर yeah. रहे हैं लेकिन आई थिंक एक जो बहुत फैसिनेटिंग चुपचाप नहीं सहा है मतलब, हर क्वार्टर से इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस कड़ा है चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस हो चाहे दलित मूवमेंट्स हो चाहे प्रेजेंट मूवमेंट हो चाहे आप जैसे

like today if there is something i put out and if somebody files an f i r and if it's in public domain there are 15 lawyers willing to fight it i never thought i knew 15 lawyers in my life mm. so there is a lot of organic love of non-malicious or look spontaneously mm. saathari yeah mm. and of people who have zero malice mm. and just believe in not giving up to any sort of authoritarian figures and they are forming their own clubs

कुछ दिन हो गए आपको यहाँ पर कैंपेन करते हुए कन्हैया कर के लिए किस तरह का रिस्पांस आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग और क्या लग रहा है काफ़ी वेरिड रिस्पांस है uh, और मैं मतलब देखो जो कन्हैया के अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे फ्रॉम बीइंग नॉट फैक्चुअली अवेयर बट जो कन्हैया के साथ लोग बोल रहे हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब वो पच्चीस लोग को कन्विंस कर लेंगे समझ हो कि जो कन्हैया के अगेंस्ट बोल रहा है उसको तो व्हाट्सएप फॉवर्ड्स आगे चुके हैं उसको मतलब प्रोपागेंडा पहुंच चुका है उस तक तो उसने तो उसको देशद्रोही करार देके डिस्कार्ड कर दिया है पर जो कन्हैया के लिए बोल रहा है वो इस आदमी को कन्विंस करने के लिए एक चाय की टपरी पर दो घंटा अपना एनर्जी एग्जॉस्ट करने के लिए रेडी है सो एज आई सेट दी ऑर्गेनिक लव दैट देर इज़ फॉर अ पर्सन हुज हैज ज़ीरो मैलिस के नॉट बीट मैन्युफैक् लाइक इट कैन ऑलवेज बीट मैनुफैक्चर्ड हेट

तो ये टाइप के एक नैरेटिव को सेट कर रहा है लाइक like, आज भी कहीं जाता है स्पीच देता है हर जगह जाके स्पीच दे रहा है ही इज कंपीटिंग अगेंस्ट द आर जे डी कैंडिडेट एंड द बीजेपी कैंडिडेट बट ही विल नेवर अटर अ वर्ड अबाउट द आर जे डी कैंडिडेट बिकॉज दैट्स नॉट द पॉलिटिक्स ही बिलीव इन ही बिलवस दैट द आर जे डी कैंडिडेट इज स्टिल बेटर देन द बीजेपी कैंडिडेट एंड ही डज नॉट नीड टू बैड माउथ हिम इन एनी वे ही विल स्टिल अटैक द पीपल हु हैव द पावर एंड हु आर डूइंग थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर द कंट्री So he's never going to take that path of just making his political journey easier. Thank you so much, Kunal. Thanks for having me, buddy. Thanks so much. Uh, I must say I'm a big fan of your movie, and I wish everybody watches it. I was <laughs> very happy to see it on Netflix. <laughs> thank you so much. Well, that's a little promotion for my film as well. But uh, <laughs> thank, you so thank you, Kunal, and we managed to steal a little bit of Kunal's time in the midst of a very hectic campaigning schedule. So thank you so thanks, much. Thanks, buddy. thanks, thanks. Thanks, so thanks, so thanks to your team also to make this happen.